फयाज अहमद और आप देख रहे हैं फूड बाय फयाज। आज मैं मजे की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चिकन आलू कीमा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हमने करना है फ्राई। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर को भी हमने प्याज के अंदर कर लेना है फ्राई। यहाँ पे टमाटर भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्टेज पे हम शामिल करेंगे नमक। आप हसबे ज्यादा कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। इसके अंदर शामिल करेंगे हम मिर्च। इसके अंदर हम शामिल करेंगे सफेद धनिया पाउडर। इसके अंदर हम शामिल करेंगे जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। डालने के बाद 1 सेकंड हमने इसको हिलाना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी थोड़ा सा, ताकि जो हमारे मसाले हैं ये जले नहीं। इसकी भुनाई करनी है हमने 2 से 3 मिनट। हल्का हल्का पानी लगाते जाना है और इसकी भुनाई करते जाना है। हमारे मसाले की भुनाई की अच्छी तरह हो चुकी है मुकम्मल। बहुत प्यारी लुक बन गई है। बहुत प्यारा बन गया है हमारा मसाला, हमारी ग्रेवी। अब यहाँ पे स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारा चिकन कीमा। चिकन कीमा डालने के बाद इसको अच्छे से हमने करना है फ्राई हमारे मसाले के अंदर। हमारा चिकन कीमा इसके अंदर शामिल करने के बाद 2 मिनट मैंने अच्छे से इसको कर लिया है फ्राई। अब यहाँ पे स्टेज पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको 2 मिनट मजीद इसकी करेंगे भुनाई हमारे चिकन कीमे की। नीचे फ्लेम मेरा हाई है। ये ख्याल रखना है कि हमने नीचे फ्लेम हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे जो भुनाई होती है उसका अपना टेस्ट होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने मजीद इसकी 2 मिनट भुनाई कर ली है। अब हमारी तकरीबन भुनाई हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू। आलू शामिल करने के बाद हमने आलूओं को भी कर लेना है मिक्स हमारे चिकन कीमे के अंदर। इसकी भी हमने करनी है जी भुनाई 3 से 4 मिनट। आलू और कीमा की मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे स्टेज पे मैंने लिया 1 कप दही, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको मजीद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे हमारे आलू और चिकन कीमे की। दही डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भुनाई कर ली है। हमारी भुनाई हो चुकी है जी कंप्लीट। यहाँ पे मैंने लिया 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम लेंगे गरम मसाला, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला है और इसको मजीद 1 मिनट हमने फ्राई करना है हमारे इन मसालों के साथ। सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं सब्ज मिर्चे, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी थोड़ा सा। पानी डालने के बाद हमने नीचे फ्लेम कर देना है जी मीडियम और इसको 5 मिनट के लिए हमने दम दे देना है। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं दमते हुए। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा हो चुका है जी खुश्क। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे अब आलू को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। कीमा हमारा ऑलरेडी फ्राई हो चुका था। आज की हमारी रेसिपी चिकन कीमा आलू की हो चुकी है तैयार। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर शामिल करेंगे हमारी खूबसूरत सी धनिया, इसकी खुशबू के लिए, खूबसूरती के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अदरक काट के रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। आज मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी रेसिपी चिकन कीमा आलू की तैयार हो चुकी है। बहुत कमाल बनी है, जायकेदार बनी है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये चिकन आलू कीमा की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी ढेर सारी मोहब्बतों में, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।